2023 के मैट्रिक के परीक्षा ला एगो और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट बा जौन ऑब्जेक्टिव में आई। ये जौन सवाल बा निर्देशांक ज्यामिति अध्याय से बटे, जैसे तनिक जब ग्राफ पढ़ल जानता ग्राफ में देख रहे फोटो है तरह सब पहले लाइन खींचवा दे खींचलन आ जहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे काटेला वो जीरो लिख दिया जाला, एकरा के मूल बिंदु भी कहल जाला। हई वाई हो गई, हई वाई डैश हो गई, एक्स एक्स डैश। ओकरा बाद बतावल जाला कि हरने वाला जो रेखा बा ये सब प्लस में होई, एक दो तीन। हरने वाला जो बा वो हो जाए माइनस में, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन। हरने जो बा ऊपर वाई ये हो जाए प्लस में, एक दो तीन। आ जो नीचे बा वो माइनस में, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन। ठीक, अब एमे हमने के देखा तो चार गो खंड बनत हुई, एक दो तीन चार। ठीक बा, तो चारो खंड में हमने के गिनती शुरू कइल कहाँ से जाई, पहला खंड कौन हुई गिनती में, तो सबसे पहला हमने के हिया से शुरू। ठीक बा, तो ये कहल जाला प्रथम चतुर्थांश। ठीक, हेकरा कहल जाला द्वितीय चतुर्थांश, हई हो गए तृतीय चतुर्थांश, हई हो जाए चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक बा, अब सवाल पूछी तो हनी से कि बताओ लगे कि माइनस दू कौमा तीन किस चतुर्थांश में है। सवाल बा कि माइनस दू कौमा तीन किस चतुर्थांश में है, तो अब ध्यान देला है काम बा कि अगर कौनो भी संख्या है लिखल बा तो एक में जो पहले लिखल रही एक्स के मान हुई आ जो बाद में लिखल रही तो वाई के मान, तो एक मतलब ई बा कि सबसे पहले हमने के चारो चतुर्थांश के चिन्ह पहले क्लियर कर लो कि पहला चतुर्थांश जो बा एक में कौन कौन चिन्ह रहेला, तो ध्यान दिए जाओ। तो सबसे पहले यहाँ का कहनी है जो पहले लिखा लो एक्स के मान होला, तो देखो ये चतुर्थांश में एक्स प्लस में बा आ कि माइनस में बा, तो देखो तो यहाँ जो एक दो तीन लिखल बा सब प्लस में लिखल बा, एक मतलब बा कि एक्स के मान कथी रही माइनस में, आ हई वाई देखल जाई तो वाई के भी मान देख दी तो प्लस में लिखल बा, तो हई एक्स प्लस में बा तो प्लस लिख दिए, हई वाई जौन बाटे यो प्लस में बा तो यो कौन चीज हो जाए प्लस में। एक मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह होला प्लस प्लस। ठीक, इस तरह में द्वितीय चतुर्थांश में जब आवल जाए तो ध्यान दें सबसे पहले एक्स के बारे में देखे के बाद, तो ये देखे के बाद कि एक्स कौन चीज में बा, एक्स कौन चीज बा माइनस में बा, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन लिखल बा यानी कि माइनस वाला रेखा बा, तो एक्स के मान माइनस में हो जाए। अब वाई के देखे के बाद तो वाई है ना बा, तो कौन चीज बा प्लस में, एक दो तीन देखे पहले कहीं माइनस लागल बा ना, तो प्लस में बा तो यहाँ लिख दी प्लस। एक मतलब द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह हो गए कौन चीज माइनस प्लस। यही तो तृतीय चतुर्थांश में जब आवल जाए तो पहले एक्स के मान तो एक्स देख तो भाई एक्स है नू ये सब माइनस में बनू माइनस एक माइनस दो माइनस तीन एक चिन्ह हो गए माइनस। आ इस तरह नहीं आवल जाए वाई में तो यो देख तो माइनस 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 तीनों माइनस में बा तो यानी कि यो चिन्ह हो गए माइनस, एक्स भी यहाँ माइनस में हो जाए आ वाई भी कौन चीज में माइनस में यानी कि दोनों एक माइनस से मोला अर्थात दोनों ऋणात्मक होला। वो जब चतुर्थ चतुर्थांश में जब हमने क्या होता है इन सब, तो सबसे पहले एक्स के बारे में सोचे के बा तो देखो तो एक्स यहाँ कौन चीज बा प्लस में बा, एक दो तीन सब प्लस में बा तो एक चिन्ह हो जाए प्लस, आ वाई देखल जाए तो वाई कौन चीज बा देख तो एक दो तीन ई माइनस 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 एक माइनस दो माइनस तीन यानी कि यो कौन चीज में बा ई हो गए कौन चीज में माइनस।
एक तरह से देखल जा तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह हो जाए प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह हो जाए माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह हो जाए माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह हो जाए प्लस माइनस। अब सवाल पर जैसे कि मान लो यह सवाल लिखल बा पूछता माइनस दू कौमा तीन किस चतुर्थांश में है, अगला सवाल कि किस चतुर्थांश में है, इस साल के ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से पूछी। तो क्या कह जाए सबसे पहले यहाँ ध्यान रखल जाए कि हेकरा पहले कौन चीज के चिन्ह बा माइनस के, हेकरा पहले कौन चीज के चिन्ह बा प्लस के, यानी कि अगर चिन्ह बनता माइनस प्लस तो माइनस प्लस। अब हमें देखल जाए कौन में होला तो हमें प्लस प्लस बा, हिया बाटे माइनस प्लस, अहियो बा माइनस प्लस, तो यही हिसाब से माइनस दू कौमा तीन कौन चतुर्थांश में आई तो द्वितीय चतुर्थांश। ठीक बा, ओकरा बाद एक दू और उदाहरण ले के जैसे मान लो लिखा था नहीं चार कौमा माइनस छ किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ठीक, देखे के बाद चार कौमा माइनस छ तो क्या कहनी है सबसे पहले का चिन्ह लिखे तो देखो तो चार के पहले कौन चीज चिन्ह बा प्लस के, आ छ के पहले कौन चीज चिन्ह बा माइनस के, यानी कि अगर चिन्ह हो गई प्लस माइनस तो प्लस माइनस देखा जाए चारों में से के में होला तो प्लस माइनस यहाँ बाटे प्लस माइनस कौन चतुर्थांश तो चतुर्थ चतुर्थांश, तो ई हो जाए कौन चीज में चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक बा, यही तरह से हमने का कह जाए कि जितना भी सवाल अगर आओ तो पूछो कि किस चतुर्थांश में है तो यही तरह से ओकरा के हमने के डील कर दी। एक दो गो उदाहरण लाओ के जैसे लिखल बा दू कौमा छ बताओ के बा किस चतुर्थांश में है तो देखो तो हेकरो पहले प्लस के चिन्ह हो गई, हेकरो पहले कौन चीज के प्लस के, दोनों प्लस प्लस हो गए तो प्लस प्लस देखा तो कैमे होला प्रथम चतुर्थांश में चूंकि प्लस प्लस। ठीक बा, तो एक मतलब ये कौन चतुर्थांश में हो जाए तो प्रथम चतुर्थांश। ठीक बा, यही तरह से अगर पूछ देता माइनस तीन कौमा माइनस चार किस चतुर्थांश में है। ठीक बा, तो माइनस तीन कौमा माइनस चार किस चतुर्थांश में है तो देखो तो तीन के पहले कौन चीज चिन्ह बा माइनस, चार के पहले कौन चीज चिन्ह बा माइनस, दोनों माइनस में बा तो दोनों माइनस के में होला तो यहाँ बा तृतीय चतुर्थांश में तो लिख दिए कौन चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश। निश्चित रूप से इस साल के बोर्ड के एग्जाम में ये पूछी कि दुगो संख्या कोनो दे दी या सवाल पूछ दी कि किस चतुर्थांश में है तो यही तरह से तहनी के दिमाग पर जी कॉन्सेप्ट बैठा दलोगे कि यहाँ से शुरू करे के बाद प्लस 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 यहाँ हो गई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, आ ना समझ में आइए से तो ग्राफ पर ध्यान पर रहे के चाहिए, ग्राफ में जगह सजावल जाला लाइन खींच के सजा लिया जा आप प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बैठा लिया जान वह दसारी से तहनी के चिन्ह लग जान कि कौन चतुर्थांश में हुई। निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव सवाल एक नंबर में ऐसा ही आए। ठीक बा,